মধুর আওয়াজে ঘন্টাঘাত হো রহি হ্যাঁ। हम एक विशाल चट्टान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर प्रकृति की छटा अनुपम है। ऐसा लग रहा है मानो हम प्रकृति की गोद में समाये हों। अवसर भी सुहाना है। अष्टानिका महापर्व नंदीश्वर की ओर वरवस प्रेरित करता है। अपनी सामर्थ्य मेरे में नहीं है कि मैं नंदीश्वर में जाकर साक्षात प्रभु परमात्मा का दर्शन पा सकूं। और आज मैं सोच कर बैठा हूँ साक्षात ना सही, ध्यान में तो दिव्य दर्शन हो ही जाएंगे और अनेक द्वीप समुद्रों को पार करते हुए जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। इस प्रकार से एक द्वीप को घेरे हुए एक समुद्र है, दूसरे द्वीप को घेरे हुए दूसरा समुद्र है। प्रकार हमने आठवें द्वीप पर हम पहुंच चुके हैं, नंदीश्वर द्वीप, जहाँ की छटा निराली अनुपम। यहाँ मात्र देवता लोग भगवान की आराधना करने को आते हैं। यह नंदीश्वर देव नंदीश्वर समुद्र से घिरा हुआ है। हम नंदीश्वर में आकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहां पर हमारे लिए एक नीलगिरी के सादृश विशाल पर्वत दिखाई दिया। उस श्याम वर्ण का है, नील वर्ण का है। उसकी तलहटी में ऊपर भाग में वृक्षावली है। हमने वहां पर अंजनगिरी पर जाकर, इस पर्वत का नाम अंजनगिरी है और इसके शिखर पर शिखरवंध मंदिर बना हुआ है।
जिसे अकृत्रिम जिन मंदिर या जिन चैत्यालय कहते हैं। इस मंदिर में 500 धनुष की पद्मासन जिन बिंब विराजमान हैं, एक नहीं 108 जिन बिंब विराजमान हैं, बहुत सुंदर हैं जिन बिंब, बहुत सुंदर हैं, घुघराले से बाल हैं, ऊपर जोड़ा सा है, कान लंबे लंबे हैं, अष्ट प्रातिहारियों से युक्त हैं जिन बिंब, सौम्य मुद्रा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुखरित हो रहे हो, कुछ बोल रहे हो, अपूर्व सा सौंदर्य इन जिन बिंबों के अंदर समाहित है। बार बार प्रभु परमात्मा को मस्तक झुका रहे हैं, अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं। आज हमारा अहोभाग्य है कि हम अंजन गिरी पर आ चुके, विशाल बिंबों जिन बिंबों के दर्शन किए, प्रसन्न चित्त हैं, तीन परिक्रमा दी, जिना अभिषेक देखा, जो हमारे कर्ण प्रक्षालन करने वाला है, ऐसा लग रहा है हमारे आत्मा में जो धूलि कर्ण रच चुके थे वो निकलते चले जा रहे हैं, और दर्शन करके वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो हमें चारों ओर चार सरोवर दिखाई दिए, और हम उन सरोवर की ओर बढ़ते गए। उन सरोवरों में रत्नों की सीढ़ियां हैं, पानी दूध के समान है, विशाल विशाल सब सरोवर हैं, और हम जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर के जाते हैं तो हमें विशाल जिन मंदिर दिखता है, दधिबुक नाम का पर्वत दिखता है, और उसके ऊपर जिन चैत्यालय है, इसमें भी 108 जिन बिंब हैं, जैसे अंचन गिरी में थे सैम वैसे ही जिन बिंब इधर विराजमान है। ऐसा लग रहा है अरबों खरबों ट्यूबलाइटों का प्रकाश यहाँ समाहित है, हमारी आंखें देख करके आश्चर्यचकित है, मन हर्षित है, प्रफुल्लित है, अहोभाग, अहो जिन बिंब, बार बार दर्शन कर रहे हैं, एक एक जिन बिंब को कोटि सह नमन करते हैं।
भूया पुनर्दर्शन की भावना से वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही बाहर की ओर आते हैं कि बाहर की ओर में 8 रतिकर पर्वत दिखाई देते हैं। मन प्रसन्नता से भर जाता है और हम रतिकर की ओर बढ़ जाते हैं। एक रतिकर में 108 जिनबिंब हैं, जिन बिंबों की शोभा इतनी अनुपम है जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। करोड़ों सूर्यों से भी प्रकाशित हैं जिनबिंब। यहाँ रात दिन का भेद ही नहीं है क्योंकि सब जिनबिंब रत्नमयी हैं, अकृत्रिम हैं, देवों द्वारा अर्चित हैं, देवों द्वारा पूजित हैं। आज विशेष पुण्य कर्म का उदय है कि हम नंदीश्वर द्वीप में आए हैं। इसी प्रकार से 13 जिन चैत्यालय पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में चारों ओर हैं। क्रम से हमने शिव के दर्शन किए। मन आनंद से भर गया और इनको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। यही वास करने का मन कर रहा है, इसलिए हम इन चैत्यालयों को, इन जिनबिंबों को अपने हृदय में बसाते हैं और हम महसूस कर रहे हैं आज हम शुद्ध ही नहीं, आज हम विशुद्ध हो चुके हैं। आज अपने आप को कर्म कालिमा से रहित मान रहे हैं। तभी तो जिन दिन हमारे अंदर समाविष्ट होंगे, हमारे हृदयासन पर आएंगे। हमारे गंदे हृदयासन पर भगवान नहीं आएंगे, इसलिए हमने अपने हृदयासन को शुद्ध और विशुद्ध बना रखा है और हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। वह नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन चैत्यालय की ऊर्जा हमारे समक्ष गोलाकृति में, विशाल गोलाकृति में वह ऊर्जा आ रही है। विशाल गोलाकृति है, प्रशस्त वर्णाओं से युक्त वह वहाँ से चलती है और हमारे पास, हमारे नज़दीक, हमारी आँखों के सामने मंडरा रही है। हमारे सिर के ऊपर जा रही है, हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे सहस्रार चक्र के ऊपर मंडरा रही है और
देख रहे हैं कि वह सहस्रार चक्र के अंदर प्रवेश कर गई है, प्रवेश कर गई है। और फिर हमारे मस्तिष्क के अंदर खुशती चली आ रही है और हम आज महसूस कर रहे हैं हमारे अंतरंग में अपूर्व सा प्रकाश, अपूर्व सी छटा, अपूर्व सी विशुद्धि चारों ओर छा गई है। आनंद ही आनंद बरस रहा है, प्रशस्त वर्णाएं चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो चुका है। और हम अपने आप को नित्य निरंजन दुष्कर्मों से रहित महसूस कर रहे हैं। अपने हृदयासन पर नंदीसुर को विराजमान करते हैं और उसी नंदीसुर दीप में समाहित होने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं।